भाई यहाँ पे धूप कितनी तेज है देखना, सुबह सुबह पर मौसम ठीक है। अभी जरा नाश्ता वाश्ता लेने आए थे, सामने का व्यू देखो। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ चाय वाय ले आता हूँ, कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। चलते हैं बाहर। एक सेकंड में यार लॉक खोल लूँ गाड़ी का। ये देखो यार, ये टूट गया था रात, ये टूट गई। हाँ सर, दिक्कत पता है क्या दिक्कत है? फॉग लैंप की, तो और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये टूट गई यहाँ से यार, फेंडर लाइनिंग पूरी। बस एक लौती दिक्कत है फॉग लैंप की, अगर उस पर पानी वानी चला गया ना वो ख़राब हो जाएगी यार। तो देखता हूँ, अगर मिल गई तो उसे लगाने की कोशिश कर लूँगा, उठा लूँगा। चलो देखता हूँ। ये गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे वाइपर का पानी भी ख़त्म होते हुए विकास दयाल भाई के स्टाइल में हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है। यार एक बार ना अपने देखता हूँ, अगर फेंडर लाइनिंग पड़ी हुई ना तो वो उठा लूँगा, इसमें लॉक लगे हुए हैं तो वो लगा लूँगा। रात मैंने सोचा था कि इसके लॉक वॉक टूट गए होंगे तो अब इसका कुछ काम ही नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने 2,500 रुपये के फॉग लैंप डलवाए, इसमें वो ख़राब हो जाएंगे इसके, अगर कहीं भी ज़रा सा भी पानी पड़ गया तो उस पर, क्योंकि यार ये वाटर प्रूफ नहीं होते और ऊपर से महंगे हो रहे हैं। अगर थोड़े सस्ते होते आदमी फिर भी दिमाग ना मारे, चल दो ही घर वो उसके हैं 500-600 रुपये के हैं तो खराब भी हो दिक्कत नहीं, डल जाएंगे। 2,500 के बहुत महंगे होते हैं यार देखा जाए तो। देखता हूँ अगर फेंडर लाइन पड़ी मिल गई ना तो उसको उठा लूँगा, उससे क्या उसे अगर लगाने की कोशिश करूँगा, अगर लग गई तो वेल एंड गुड, वरना तो भाई नसीब पे चलेंगे। फिर बस यही थोड़ा पानी वानी से बचा के लेके जानी पड़ेगी, पानी से भी धूल मिट्टी से भी बहुत चीज़ें होती हैं। बाकी ये है कि कल मैंने यहीं टूटी दिया मेरी फेंडर लाइन, तो पता नहीं यहाँ से यार किसने फेंक दी क्या। नहीं वो नहीं है, एक बार उतर के देखता हूँ कहीं गड्ढे वड्ढे में तो नहीं चली गई। देखो यहाँ लगी थी यार रात गाड़ी, यहाँ से पता नहीं कहाँ गई यार फेंडर लाइन। मैं सोच रहा हूँ मिल जाती तो लगाने की कोशिश ही कर लेता, और कुछ नहीं है बस एक फॉग लैंप की दिक्कत है, वरना फेंडर लाइन तो कोई इतनी महंगी नहीं है, टलेगी तो फिर भी दूसरी। वो देखता हूँ यार, चलो ट्राई करके एक बार आगे पीछे कहीं मिल जाए तो। और यहाँ यार यहाँ धूप इतनी चुभती हुई है ना कि तुम दिन में तो कहीं जा नहीं सकते, तो दिन में तो हम भी यार रूम पे रहेंगे, हम क्या सभी यहाँ दिन में रूम पे ही रहते हैं और रात को ही जाते हैं सब, जो भी जहाँ भी जाते हैं, तो कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं। तो अभी भाई वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आप आज देखोगे शाम को, तो यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा इशू होते, रेस्टोरेंट है ना इसके, उसमें कर रहा हूँ अपलोड वाईफाई से, यहाँ नेटवर्क नहीं आते जियो वियो के किसी के भी। तो एक बार देख रहा हूँ, एक बार अपलोड हो जाए। यहाँ पे नीचे पूल है, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे यहाँ थोड़ी देर नहाते वाते हैं, उसके बाद शायद मैं शाम को यहाँ भी जाऊँ बीच पे। यहाँ नहाने का मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ना यहाँ से नहा के सीधा पूल में कूद जाऊँ, तो वो ना रेतीला रेतीला पानी रहता है तो उसका दिक्कत नहीं है। तो भाई रात तो हम घूम फिर के आ गए थे, मतलब हम ना बीच यार वरना कोई ऐसे भीड़ वाले इलाके में घूमने नहीं आए, हम आए सिर्फ इन्जॉय करने, अपनी ऐसे कहीं शांति वाली जगह वो ले लिया रिजॉर्ट और यहीं अपना घूम फिर के इन्जॉय कर रहे हैं। खाना वाना लेके तो आ गए यार, वीडियो अपलोड होने लग रही है, आपको दिखाई दिया था। अब बस ना नीचे पूल में जा रहे हैं, बस एक बार ये अपलोड हो जाए उसके बाद नीचे पूल में चलते हैं। मिलते हैं आपको आगे यार। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ऐसा मत करो यार, लाइक सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो देख के छोड़ देते, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, ये बात गलत है यार। तो पहले सब्सक्राइब करो और लाइक करो, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करो। तो बहुत चुभती धूप है, देख रहे हो आप, 5 बज रहे हैं अभी और बहुत चुभती धूप है, इसलिए अभी तो यहीं वेट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा धूप और डाउन हो जाए 5:30 तक, उसके बाद जाते हैं, उसे लेके चलूँगा ज़बरदस्ती उठा के, वरना वो अब भी नहीं जाएगा। देखो समुंदर लग रहा, दुनिया ख़त्म हो आगे। और कोशिश करूँगा कि शाम को एक बार मार्केट में चले जाएँ गोवा की, वहाँ पर कुछ कैप्चर कर लें, कुछ दिख तो जाए, कम से कम कुछ तो दिख जाए ब्लॉग में
दो दिन से यहीं। वैसे हम चिल ही करने आए थे पर इतने कुछ ज़्यादा चिल हो गया अब तो देखते हैं, अगर शाम को कहीं गए तो दिखा दूंगा आपको। तो दोबारा निकल चुके हैं सनसेट की तलाश में हम, इस बार आयुष को ले कर। कोशिश जारी रहेगी हमारी अगर हम जा पाए तो, वरना तो कोई बात ही नहीं है, वरना फिर गाड़ी ऊपर चढ़ा दी थी हम, कुत्ते हैं उससे भी ऊपर। अगर चल पाए तो ठीक है, वरना ऊपर जाकर फिर थोड़ा सा पैदल चल लेंगे। ये इन सब में अपने अपने कट्स होते हैं गाड़ी ले जाने के, किसी को डर लगता है किसी को नहीं लगता। हमसे भी एक कोई कोई भले आदमी हमसे भी भले थे, वो और भी आगे ले जा रहे थे जहाँ पे मैं रुक गया था। भाई ये अपने अपना सिस्टम है, एसी बंद कर देते हैं चढ़ाई पे, शीशा खोल लो। ये देखो हवा चल रही है, ऐसी कोई खास गर्मी लग नहीं रही है, लग रही है दिन में तो बहुत गर्मी है यहाँ पे, दिन में तो होश बेकार हो जाए आदमी के, इतनी गर्मी है। और रात को शाम के टाइम फिर ठीक है मौसम। कल कहाँ से गया था मैं, इधर से गया था, कल तो अकेला भी था ना, इस वजह से मैंने ज़्यादा रिस्क लिया नहीं था। अगर तुम्हारे साथ कोई हो जब तो फिर भी आदमी सोचता चल ठीक है निकल जाएगी। चलते हैं ट्राई करते हैं दोबारा से। और कल इसकी फेंडर लाइनिंग और टूट गई रात के टाइम, वरना तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता। ये नीचे बहुत है यार, नहीं नहीं ये बहुत जगह है, यहाँ तक तो ले गया था मैं, पर ये नीचे बहुत है इस वजह से इसमें थोड़ा डर लगता है। कल नीचे के चक्कर में इसकी फेंडर लाइन टूट गई, अड़ गई आगे से, बम्पर वम्पर ख़राब सा हो गया इसका थोड़ा सा। जाके देखता हूँ करवाते हैं इसमें थोड़ा सा सही सलामत इसको। देखो इधर आज ट्राई करूँगा निकल जाए, अगर निकल गई तो ठीक है, वरना वहाँ खड़ी कर देंगे फिर वहाँ से पैदल पैदल हो लेंगे। दोबारा ट्राई किया लेकिन नहीं चढ़ पाए, यहाँ पे आके अटक गई बस थोड़ी सी यहाँ पे। मैं ले तो जाता पर वो ये कि फिर आने में दिक्कत कर देंगे, आते आते अंधेरा हो जाता, फिर अंधेरे में दिखेगा नहीं। वो यहाँ पे स्किट मार दी इसने, अगर थोड़ी सी मोमेंटम में होती तो निकल जा। क्या सोच रहा था तू? मैं तो वहाँ सोच रहा था वहाँ मोमेंटम बना के हमारा तक मोमेंटम बन जाता भी। अरे कुछ नहीं होता तेरा भाई साहब, क्यों टेंशन ले रहा था? गाड़ी का पहिए पहिए का पता होना चाहिए, तेरे गाड़ी के पहिए इस टाइम कहाँ है? देख मैं पता क्या सोच रहा था, इधर से लाता आराम से, तो मुझे पता है मेरा पहिया यहाँ पे, फिर यहाँ से लाके सीधी सीधी चली जाती है। पर ये पता है यहाँ से तो सोच लेते यहाँ से सीधा पहिया तो यहाँ घुसता, तो दूसरा पहिया तो यहाँ रहता है ना, अड़ती नहीं बीच में, बस ये इतनी सी बात रह जाती है। इन्होंने थोड़ा सा खराब कर रखा है, वरना यहाँ से निकल जाती है। धूल उड़ गई काफी, कोई नहीं, हम वहाँ खड़ी करते हैं, वहाँ खड़ी करके वहाँ से चलते हैं। ये नुकसान है कौन सी इसका, गाड़ी की हाइट कम होने का। पैदी नहीं मत काट, सीधी रख, ऐसी जान दे इधर कर, ऐसे घुमा दे, हाँ सीधी जाने दे, सीधी सीधी बस सीधी जान दे। अब यहाँ कैसे नहीं लड़ी है, यहाँ तो फिर भी काफी उठा हुआ है, नीचे से दिखाऊंगा। वहाँ से चली बट वहाँ खतर, और एक कुछ हसी वादिया, पॉल्यूशन कम है यहाँ से, घूमेगी नहीं पीछे ले जाए ऐसी, कभी घुमाने की सोचे। जाकर आए ले कैसे, इतनी अच्छा इधर से निकालेगा, इधर से और गंदी कर लेता से मिट्टी मिला के, ऐसी हो बन रही। ज्यादा उधर मत धर रख, इधर रख, ज्यादा उधर मत कर, हाँ जान दे सीधी जान दे। माउंट एवरेस्ट पे ले जाए, सामने व्यू देख लो, थोड़ा पास कर देता हूँ।
ना चली, बहुत तेज आवाज ना रही इसकी। क्या चला जाएगा, लेके चला जाऊँ क्या, ऊपर ले जाऊँ? वहाँ चलेंगे ना, वहाँ ऐसे खड़ी करेंगे। क्यों लेके जा रहा है ऊपर? सनसेट देखेंगे ना वहाँ। क्या पूछ रहे थे? रोमियो लेन। ठीक है, होता है अब ऐसे टैटूज लेन होती है जैसे बागा बीच के पास है। तो रोमियो लेन कहाँ है? उधर ही है बागा बीच के लेंगेट साइड। अब मुझसे लगा रोमियो रोमियो, मैं कहा पहाड़ के ऊपर लौंडे तो खड़े वही होगा रोमियो लेन। पैदल आऊंगा तो मैं ना लेता गाड़ी, बैठ गया रिस्क विस्क का। फिर भी उतरने में दिक्कत नहीं होती। अभी सामने सनसेट होने वाला दिखाएंगे आपको। सनसेट क्या होएगा? बस हो ही रहा है, सनसेट ही सनसेट है। इस टाइम तो कहा जाओ ना, वो भी जावे। यहाँ ठंड गर्मी नहीं है ना? ठंड नहीं है। ए टॉमी दिखाइयो। देखो गाइस, ये लगी थी कल हमारी गाड़ी, यहाँ से पूरी भिड़ गई थी, ये नीचे लग गई थी पूरी। देखो, देख रहे हो ना आप, ये लग गई थी। इसे जाके सही कराऊंगा, शायद टचिंग वचिंग हो जाएगी इसमें थोड़ी, और नीचे से लग गई थोड़ी सी। कोई नहीं, दीज आर सम माइनर अप्स एंड डाउन्स, और मतलब थोड़े बहुत होते हैं यार, ये इतना तो सोच के चलता हूँ मैं कि जब गाड़ी सड़क पे चलेगी तो लगेगी। बाकी ये देखो, अब करने में तो मज़ा आ, ऐसा कोई कर तो नहीं रहा। देखो सबके सामने अपनी गाड़ी कहाँ लगा रखी है, कितने नीचे। यही तो चीज़ है मज़े करने की, गाड़ी तो क्या हो तो हो जाएगी सही, थार चढ़ जाएगी। चलो यार, पैर भी खड़े खड़े सुन हुए, इतनी हवा चल रही है, देखो हवा कितनी चल रही है। आपको आ भी रही होगी, आपको आ भी रही होगी, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, पर बहुत मेहनत लगी यार। लाइक सब्सक्राइब करें, जाना मत। अब वापिस चल दिए हैं, देखो कितने स्लोप है भाई, यहाँ से कितना स्लोप है जहाँ आपने गाड़ी चढ़ाई है हमने। ओह माय गॉड, आपको कैसा लगा सनसेट का व्यू एक बार बताना जरूर यार। आज तक हमने ऐसा सनसेट नहीं देखा, सनसेट हमने देखा ही पहली बार है वैसे। नहीं नहीं, एक बार एक दो बार और देखा है। ये देखो क्रेटा भाई चढ़ा रहा है वहाँ पे, ये थोड़ी ऊंची है, चढ़ जाएगी ये। नहीं, इसने भी रोक ली। चलो निकलते हैं, गाड़ी की हालत देखो क्या कर दिया हमने। मज़ा आया, गंदी गाड़ी अच्छी लगती है ट्रिप पे, जाके वॉश कराएंगे इसको। तो यही है थोड़ी भाई गोवा की लोकल मार्केट सी, यहाँ पे आपको ये कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, या इस शॉप से कुछ ले लो। मैं तो ऐसे ही सिर्फ घूम रहा हूँ यहाँ पे यार, पैर में पता नहीं क्या हो गया, राइट वाले में नस पे नस्सी चढ़ गई पता नहीं, अजीब सी। तो ये भाई, ये है अंजुना बीच की वो मार्केट, वो थी वेगाटोर की, अलग अलग हैं ये। तो ऐसी ऐसे ही बस हांड रहा है, बस घूम रहे हैं यार। एक पैर में थोड़ा दिक्कत हो गई, वरना कोई दिक्कत नहीं थी और मैं घूम लेता। कोई नहीं, आप ये दो मार्केट देख लो, बाकी सब सेम ही है मार्केट, क्या बस यही शॉप साइप है यहाँ पे। तो ये मेन मार्केट है भाई अंजुना बीच की, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा सामान है। आप आगे मतलब भाई लोकल मार्केट है, यहाँ पे वॉक करके चले जाओगे तो सामने अंजुना बीच आ जाएगा भाई। ये भी समुद्र तो सही, मैं बस नाम रख दिया एक पर्टिकुलर एरिया का, वो सामने अंजुना बीच की एंट्री है अगर आप जाना चाहो तो। भाई अंजुना बीच है, देख सकते हो यहाँ पे पार्टी का माहौल है पूरा, देखो सामने लेजर शो चल रहा है, ले लिया। अरे गलत भी आ रहा है,
भाई मैंने गाड़ी के लिए ले लिया ऐसे ड्रीम कैचर क्या बोलते हैं, अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत गाड़ी में देखा है मैंने, नाइस।